को ब्याह हो रहा है क्या? मंगसिर को पच्चीस छब्बीस में हुँदैछ। मंगसिर को 25-26 अब 20-21 दिन बाकी छ। तपाईँ तो ब्राइट बेहुली के ब्याउली हुनु ला तपाईँ एकदमै के डिजिटल बेहुली हो किन के किन लाइभ भयो आउनु? डिजिटल ए लाइभ त अझै 20 दिन बाँकी छ अनि आइहाल्छ नि लाइभ त के हुन्छ। आँख लग्नु यस्तो लाइफ नै आउनु तपाईँ न्यू न्यू बेहुली हुन्छ भएन अब लाइफ त आगो नि काम छैन। हजुर मान्छेको बुढी आँख लग्नु फेरि लागे लागोस् लाग्दैन हौ आँखा त कसको लाग्नु। ला आफ्नो ख्याल राख्नु हुन्छ तपाईँ न्यू न्यू अनि खोइ बेहुली तपाईँहरूको मुस्ताङमै आउँदैन रहेछ। मुस्ताङ आउँछ भनेको त मुस्ताङ एकदमै जाडो छ म त आ सक्दिनँ ए बिचरा गाना एकदम जाडो छ मैले काठमाडौँको जाडो बर्दाश्त गर्न सक्दिनँ तपाईँ मुस्ताङ की बात कर रही हो ओ माई गॉड तपाईँको दुबईमा त गर्मी हुन्छ अरे त अनि एकदम 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 तपाईँको सपिङ भइसक्यो छैन म पर्सि आउँछु काठमाडौँमा। ला काठमाडौँ आगे तपाईँ ओ पर्सि 2 दिनपछि काठमाडौँमा आउँछ किनमेल गर्नु। ओ माई गॉड म धेरै खुस खुस हुन्छु धन्यवाद। तपाईँको चाहिँ बिहा कहिले हो अनि? मेरा तो अब एक एक वर्ष पछि अगाडि ए एक वर्ष ए बिहा चारो चारो गर्नुपर्छ है। हजुर बिहा चारो चारो गर्नुपर्छ। रेडी हुनु मेरो मेरो छोराछोरीले बिहा हेर्छ कि क्या हो आइसी पहिले बिहा गर्नु न तपाईँको त बच्चा पहिले हुन्छ बिहा गरेपछि हुन्छ नि कहाँ पहिल्यै हुनु। हाँ मतलब ओके तपाईँ एक एक साल बाद मेरो बिहामा आउनु साथी चिन्टू भी लाउनु ल्याउँछु चिन्टू या चिन्टी खोइ के हुन्छ हुन्छ नि अब त्यो बेलै थाहा हुन्छ। हेल्दी हो बस आमी राम्रो प्लाटै पाउनु पर्छ मतलब तयारी जोरो शोरो से है आपकी तयारी त हुनु पर्यो नि। तपाईँहरू पनि अलिक चालाक हुनु पर्यो है बेलैमा बिहा गर्नु पछि त के हुन्छ हुन्छ। तपाईँ बिहा किस किस रङको जोडा पहिनु रातो अब खोइ के हुन्छ हाम्रो कल्चर ड्रेस पनि हुन्छ अनि कल्चर ड्रेस साडी पनि लाउँछ होला लाउनु त। तपाईँको कल्चर के हो तामाङ ड्रेस तामाङ ड्रेस हो त एकदमै राम्रो छ तपाईँ टप तामाङ ड्रेस पहिनु ल तामाङ ड्रेस नि लाउँछ साडी नि लाउँछ होला खोइ त्यो बेलै थाहा हुन्छ। चार लगाउनु न शादी एक एक बारी होती है हाम्रो त लुगा चेन्ज हुन्छ नि त घर यता के भन्छ माइती परेको बाउ आमाले पनि लुगा दिन्छ अनि उता केराबाट नि लुगा ल्याउँछ नि त माइती पार नि अनि केराबाट नि लुगा ल्याउँछ क्या हाम्रो चाहिँ। यस्तो उसमें भी हुन्छ यो वाली ल्याङ्ग्वेज हो ना निवार निवारो में भी यो पनि हुन्छ होला होला हामी त तामाङ बार्यो म त ठकुरी हो ल तपाईँहरू पनि चारो बिहा गर्नु पर्यो है चारो अलि आयुषजीलाई भन्नु न। ल ल एक म्याच लगाउनु न किन लाग्दैन खै म्याच लाउनु चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन ल हेर है भयो भयो रमाइलो गफ गर्नु मलाई त तपाईँ एकदमै मन पर्छ धन्यवाद। तपाईँ नि मनपर्छ हामीले कति हेर्थ्यौँ सुन्यो तपाईँ सुन्यो के भयो मेरो नेट केही भएको छैन वाइफाई गयो कि क्या हो छैन छैन केही नै भएको छैन।
मेरो नेट लास्ट स्लो जस्तो छ बिचरो ल अहिले त ठिक छ अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ ल ल ओ धेरै धेरै शुभकामना तपाईँको यो युट्युब क्रिएटर मिल गयो ए धन्यवाद अस्ति नै पाएको यो त मैले लाइक किया था ए धन्यवाद तपाईँको नि जहिले हेर्छ मैले तपाईँको नि सब्सक्राइबर गरेको धन्यवाद अब छिटो गोल्डन गोल्डन प्ले बटन लिनु पर्छ अब बिस्तारी बिस्तारी हुन्छ होला कहिले कहिले बिहाको ब्लग गर्नु र अनि बिहा गर्नु कि ब्लग गर्नु त बिहामा चाहिँ अन्त नि हेलो गाइस अहिले चाहिँ सिन्दुर हान्नु लगाएको छ यस्तो सुन न हजुर रात में लाइव आना म त आउँदिन लाज लाग्छ ठ अहिले अनि हाम्रो माथि लेकमा नेट चल्दैन क्या अलि चिसो ठाउँ चिसो माथि जानुपर्ने छ बिहा गरेर चाहिँ मुझे तो सोच के ठंड लग रही है पता बेचारा आप मस्त ठंड में रहते हो यार मुझे तो बहुत ही मुश्किल होती है अनि जाडोमा बस्नु पनि के न के त गर्नुपर्छ नि त सच बताओ आप सच सच बताओ नहाती कति बार ओइ अब त्यो कुरा चाहिँ नभन लाजै लाग्छ मलाई झुटो बोलाम कि साँच्चो बोलाम यो कुरा चाहिँ म खासै नहुँदैन कहिले नि त्यस्तो ठस ठस गनाएर चाहिँ हिँड्दैन तर खासै नहुँदैन म आज नहुँ भनेको अब भोलि पर्सितिर नहुनु पर्छ बिहेतिर नहुनु पर्छ के गर्नु त अब जाडो छ साथीहरू दिनकै नहुनु सक्छ तपाईँहरूको त काठमाडौँतिर तातो पानी आउँछ नि त्यो टोइलेटमा नि आउँदैन आउँछ अनि आउँदा नि किन हाल्छ त तपाईँ चाहिँ मैं जब तक उठती हूँ ना वो खत्म हो जाता है पानी अलि चार उठ्नु नि त हामी त बिहानै चार बजे उठ्छ चार बजे त मैं सोती हूँ ओह माय गॉड आपके आपके घर में गीजर है त्यो भनेको के हो गीजर गीजर के हो गीजर भनेको म थाहा ओ बडा बडा होता है ना ऊपर टेरेस में लगा होता है गरम पानी के लिए हाम्रो गाउँमा त्यस्तो हुँदैन नि ओ माय गॉड हम अछाम में ना वो एक लंबी सी चीज होती है उसको बाल्टी के अंदर डालते फिर वो गरम हो जाता है वो करंट भी मारता है त्यस्तो करंट पनि छैन त्यस्तो त्यस्तो केही नै छैन हामी त चिसै पानीले नहुने हो हामी टाउको नै झर्ला जस्तो हुन्छ त्यो चिसो पानीले नहुँदा त गाउँमा त कसैको छैन त्यस्तो गाउँमा त अब गाउँले जीवन त्यस्तै हो नि ओ ग्यास ग्यासमेट कलिया गरौ ग्यासमेट दाउराले पकाउँछ नि कहाँ ग्यास हुन्छ ग्यास त हुन्छ अनि ग्यास बढी जान्छ नि त सक्छ त्यही भएर पानी तताउँदैन खासै हामीले चिसोमै नहुने हो आपके ग्यास है घरमै ग्यास छ तर कहिले काहीँ पाहुना आउँदाखेरि अब त्यो दाउरा नहुँदाखेरि पकाउने हो कि जहिले पाउँदैन कि चलो बिहाके बाद साथ नहाउगे पानी बचेगा अब बिहा पालि नहुनु पर्छ आ गाइजहरू के गर्नु आजकल त हिँडाएर बसौँ भने जाडो छ पानी त छुनु सक्दैन अनि पानी हुन्छ नि खाने पानी त्यो नि तताउनु पर्छ पिउनुलाई अन्त धेरै चिसो हुन्छ नि त बताए वो मैं जब रात में सोच 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 कर उठती हूँ ना तो मुझे ना वो टॉयलेट जाने में भी घार होती हो कोठा में टॉयलेट बनाने नहीं था अब वो ठंडा ठंडा लगता है ना पूरा ब्लैंकेट वगैरह
यार मुझे तो ठंड में मैं खुद को रोक के बैठती हूँ, अरे नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पानी नहीं पीती मैं तो। यो ना भाई तो सूच चाह पे रहा बस सोला था भाई था ऐसे ऐसे तो किडनी किडनी में खराब हो जाए तो तो जारो महीना में तो कोई कोई अल्छी आरु तो सूगर नो बनी तो जारो हो जाए बाहर ना निश्चित है बंदर सूच चाह पे रहा ना बस नहीं साथ यारु किडनी में असर हो जा रहे। आप बताओ आपको नहीं होता? मेरे को तो नहीं होता, मैं तो कितना कितना ठंड में हिमालय में बैठ चुका हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता। सेम मिट्टी से बने हम, तीन तीन पाने खा के स्वाता सोता है और कुछ भी नहीं होता, हमको तो बहुत गर्म आनंद होता है। ओह माय गॉड, आप था तो पानी पीती होगी ना? ता तो त्यो झोल पानी आयाले बिचरा अब ठाकुरी को बुहारी परे छ, ठाकुरीहरूले त खाँदैन होला नि, खाए पनि अलिक कामै खान्छ होला हाम्रो जातले भन्दा त। हाम्रो त त्यो तातो तातो राक्सी के यसो अलिकति खान्छ के, त्यो त्यो हो नि त अब जाडो महिनामा त राक्सी धेरै बिक्छ अनि ओके ओके। हिमालतिर माथि माथितिर जाडो हुन्छ नि पहाडमा हिमालमा, कहिले काहीँ जाडो बेला मिठो हुन्छ नि बिचाराले स्वादै पा छैन रहेछ गाइस, खुवाइदिन्छु क्या वाइचाङले आमै, तपाईँ मेरो गाउँमा आउनु म खुवाइदिन्छु तपाईँलाई। म पिस सक्दैन, किन्न सक्नु? हाम्रो हाम्रो गाउँतिर सानो सानो बच्चाहरूले त पिउँछ अनि के हुन्छ? वो मेरो रिलिजन में अलाउड छैन, पी सक्दैन। त्यो ना भनिकन खाने नि त, कहाँ अनि देखाएर खान्छ त, लिनु पर्छ है जिन्दगीमा। म जुस पिन्छु, जुस एप्पल जुस, एप्पल स्याप्पल पाउनु त पाउँछ, एप्पलको जुस पनि, एप्पलको राक्सी चाहिँ खानुपर्छ कि। एप्पल के भ्यू थिए? एप्पल के भी होता है, जुस भी होता है, राक्सी भी होता है। साची साची सबसे अच्छी कौन सा होता है? मुस्तांग में ना सबसे अच्छा जूस भी मिलता है और राक्षी भी मिलता है। तो अभी आप पी हुई हो? थोड़ा थोड़ा देखिए गानो गाइस जारा काटनु परे ना अंदो तभी मैं बोलू इधर सुनो, तीन पाने थोड़ा थोड़ा तीन पाने जब लगाता है ना तब ये गाल ना आपसे हम लाल लाल होता है। मिंगार के बोलते से ओ गाय जरूर तभी मैं बोलू ये गाने से लाल क्यों होता है? मतलब अभी मैं तो नहीं कर सकती ना, हम तो कर ही नहीं सकते, मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लेती हूँ फिर हम सेम सेम लगे। आपको मैं आप मैं हमारा घर में आ जाओ आपको मैं खुआ दूंगा राखी। हम नहीं पी सकता क्यों नहीं परसा? हाँ भाई मेरा मेरे घर में आऊंगी मंजिले तो मो ना खाएगा ना छोड़ देना, हमारा कल्चर में क्या होता है ना ये तामंग भोटे जात में ना क्या होता है कि कोई भी बाहर के लोग आता है ना, ये पाउनो लोग आता है ना, ये स्वागत में क्या बोलता है आप लोगों को चाय पानी होता है, हमारा जब राक्षी होता है राक्षी जार राक्षी थोड़ा तो पीना पड़ेगा ही, लीजिए ना थोड़ा तो लीजिए अलिकति तो लिनुस हो ना अलिकति बहनी लिनुस, हमारा ना ये कल्चर ऐसा है, तो आप जब हमारा घर में आ जाएंगे मैं आपको खुआ दूंगा के भन्छ सत्य खुवाइदिन्छु खुवा दूंगा गाइजहरू एली चाहिँ फिटु भयो भने कस्तो देख्छ होला अम्बो, मतलब आप लोग खाना पानी का बाद में पूछते हो पहले? हमारा कल्चर भी ऐसा है तामंग के घर में ना सबके घर में प्राय सबके घर में होता है, कोई कोई कुछ कुछ लोगों के घर में नहीं होता, सबके घर में होता है और जितनी भी पाहुना आता है ना सबको हम खिलाता है। वाओ क्या खाने वालों की खा लो थोड़ा तू खा लो बोलता है यार।
सब टर्न होके क्या करता है? सो जाता है क्या? मतलब सब ऐसे टोन होके सो जाता नहीं, सब लोग तो नहीं सोता, कुछ कुछ लोगों के क्या बनता, जीव जान ऐसा भी होता है ना कि अली अली ले लागने, कुछ कुछ लोगों को तो जितना खाते भी नहीं लगता, सबको नहीं लगता, अच्छी आपको लगता है कि मेरे को तो कभी कभी लगता है सही, मेरे को लग ही जाता है। अच्छा तो उसका ग्लास होता है या फिर छोटा कैसा होता है, क्या होता है? तुम्बा? ये तुम्बा होता है ना, तुम्बा तुम्बा, तुम्बा यस, तुम्बा होता है ये। अब मैं तो अभी तुम्बा किचन तुम्बा में, तुम्बा तुम्बा होता है ये जूस, जैसे आप जूस खाते हो ना ऐसे तांदे के तुम्बा पाइप होता है स्वाद, तुम्बा रे हीरा तुम्बा। ओ त्यो क्या उसको के गेरा गया क्या उसको त्यो किड़ी तबेले की बच्चे यार तुम्बा 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 के शिप तुम्बा तुम्बा तातो तातो तुम्बा गे क्या उसको मग 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 जस्तै हुन्छ, पायर तान्ने हुन्छ, स्वाट्टा स्वाट्टा तान्ने। ओ झोल खाने के, झोल खाने कोदोको झोल स्वाट स्वाट खाने। अब यो जाडो महिना हुन्छ नि, ठन्डी महिना हुन्छ नि, त्यस्तोमा चाहिँ पानी तताउने, तातो पानी, तातो पानीमा जाट जाट मिसाउने अनि त्यो पाइप हाल्ने अनि तान्ने हो के फिडर कि तल। अँ त्यस्तै होला के हो गाइसहरू, उसको समझ नहीं आयो कि क्या होता है फिडर। स्ट्रो 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 ओ ओ ओ शॉट शॉट आयोले। अच्छा तो एक बंदे का एक होता है या सबका ही एक में होता है? नहीं नहीं सबका अलग अलग होता है, एक बंदे का अलग और एउटा मान्छेलाई एउटा बाटा। साइज कितना होता है इतना? नहीं उसकी उससे बड़ा होता है, दो दो गुना बड़ा होता है, दो गुना इतना 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 ही होता है, कुछ कुछ बड़ा है ना ये बड़ा होता है, कुछ कुछ स्मॉल अलि सानो हुन्छ। जिस सदा पानी मकई को जड़ लाए ये सिंगर भी है क्या? तातो तो पानी तुम बालाए घर ना घर को पर ही दुखी चिरफुरी घर ने चंग बालाए। हमारा ये हमारा ये क्या है ना तामंग सॉन्ग है ये। ओके ओके तीन बार अच्छा, बहुत मीठा होता है। फिर क्या करते खाता है शॉट शॉट। आपको मैं खिला दूंगा, आप आ जाओ मेरा घर में, मैं आपको खिला दूंगा। थोड़ा थोड़ा तो ले लो ना आप लोग, धेरै चोखो बन्नु हुँदैन, नेपाली भएपछि अलिअलि त स्वाद थाहा हुनु पर्छ। अच्छा तो आप में लड़का और लड़की दोनों पी सकते हैं? आपने आपने माने एज एज लिमिट एज लिमिट नहीं होता, कुछ कुछ छोटी छोटी बच्चे लोग भी पीता है अगर पीने का मन है तो। रामाइलो खान्छ, त्यस्तो सानो ठुलो भन्ने हुँदैन, तर अहिले पहिला पहिला चाहिँ अब बच्चाहरूले पनि धेरै खान्थ्यो, सानो सानो बच्चाहरूले, अहिले त अब अलिकति मान्छेहरू चेन्ज भयो, अब कति भयो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब ज्ञान गुणको कुराहरू थाहा भयो, बच्चाहरूलाई धेरै दिनु हुँदैन भन्छ, बच्चाहरूले काम खान्छ अनि अब काम गर्ने मान्छेहरूले अलिक बेसी खान्छ। इतना ठन्ड होता है इधर, के भन्छ यस्तो हिउँसिउँ पर्छ नि, जाडो हुन्छ नि, त्यस्तो बेला खाने हो कि स्वाट, अनि ये बहुत तातो हुन्छ के, धेरै तातो हुन्छ, आनन्द आउँछ हामी नभए त जाडोमा कसरी सुत्नु त हो आम्बो। अब सहर बजारमा जस्तो भयो भयो, धेरै ब्लाङ्केट सिराएको हुन्छ त साथीहरू, कता पल्चिनु कता पल्चिनु हुन्छ गाउँघरको मान्छे बिना सोइ नै पाते। कुछ कुछ लोग तो ऐसा ही लोग है हमारा गाँव में, हम भी कभी कभी लेता है तो मतलब आली 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 मन में पीर आली आली मन में टेंशन होता है ना, वाट रखा है मन में टेंशन हुआ ये किया और आराम से सो गए है ना, क्या हो गया यार इंटरनेट नहीं अटकना चाहिए, कितना अच्छा लगता है ना किसी और के कल्चर के बारे में ऐसे सुनना, क्या करते हैं हालांकि कोई मेरे सामने ऐसे करे मेरे को अच्छा नहीं लगता। गर्मी में छंग खान जा जाड़ खान जा, जाट पता है आपको? जाट नहीं पता होगा के रे जाट जाट वार वार बनने के वार वार स्टोरी बनाने हो जाट
जाट कोई घर बनाना है घर नहीं, ग्वार 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 जार बनाने स्वाट खाने डांगरंग सुद्ध हो कुंडी पर रह गए सर वो तो मुझे नहीं पता तो फिर नहीं बना। ये खाने वाला खाना होता है ना ये चावल की बात इसके भी जात बनता है इसको जब खाना जैसे पका खाना होता है ना सेम खाना होता है ना उसको ना मसिनो मसिनो के भन्छ धुलो पारेर के सानो सानो पार्ने अनि मर्च भन्छ मर्च एक जडीबुटी होता है उसको डाल के उसको मिक्स करके और उसको कुछ दिनों के लिए उसको छोप के जाट बनता है वो भी नशा है ना एक नशा जैसे होता है जाट भी। और ये जाट में जाट निकाल के पानी डाल के घर घर करके स्वाट खा के डर सोता है कसरी बुझाउनु मैले आउँदैन बहुत मीठा होता है चार तू मैं तू डेली खाती हूँ अगर मिला तो डेली गर्मी महीना में आजकल तो अब पाए बने तुम मसुम्ब अलि अलि तातो तातो राशि पाए बने हो होना फिर तब कति हम तामाङ जात में तामाङ तामाङ शेर्पा मंगोलियन जात में तबर तो ठाकुरी भो नहीं ठाकुरी को बारे में मैं खास था छेन तर हम तामाङ भोटे शेर्पा हम मंगोलियन जात में जार रक्सी निंगार भनेको ना भई न होने चाहिन्छ नै राम्रो काम हुन्छ राम्रो काम पनि चाहिन्छ नराम्रो अब मान्छे भिड्ने मार्ने काम पनि चाहिन्छ अनि अब बच्चा जन्माउने जन्मिन्छ न्वारनहरू गर्दाखेरि भयो अब बिहाहरू गर्दा वर्तमान गर्दा यताउता गर्दाखेरि चाहिन्छ क्या हाम्रो कल्चरमै चाहिन्छ हाम्रो त यस्तो नर्मल छैन नर्मल छैन अनि हाम्रोतिर जाँदाखेरि चाहिँ अब छ्याङ खाने हो तपाईँ जाड खाने हो तुम्बा खाने हो भन्छ हाम्रो घरमा पाहुना आयो भने तपाईँहरूकोतिर अनि अनि ब्राह्मण छेत्री बाहुन बाहुन छेत्रीहरूकोमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने पानी खानुहुन्छ चिया लिनुहुन्छ भन्छ हाम्रो चाहिँ खासै त्यस्तो चलन अलिक छैन कि हाम्रो चाहिँ जाड खाने हो रक्सी खाने हो कि तुम्बा खाने हो भन्ने सोध्छ क्या हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो छ के भन्छ तपाईँहरूकोमा चिया लिनुहुन्छ चिया खानु तातो पानी खानु नेपाल एउटा यस्तो हो कि अब तपाईँ पनि अब नेपालको बुहारी नेपालको बारेमा अब कति कुराहरू तपाईँले थाहा होला कतिपय चिजहरू थाहा छैन होला नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो देश हो भौगोलिक हिसाबले पनि तिन भागमा के हिमाल पहाड तराई तिन भागमा विभाजन गरेको अनि नेपालमा चाहिँ बहुसांस्कृतिक धेरै किसिमको संस्कृति धेरै खालको वेशभूषा धेरै जातको धेरै भाषाको विभिन्न भाषाहरू बोल्ने विभिन्न आफआफ्नो अब धेरै विविधता एउटा के भन्छ विविध जात विविध धार्मिकदेखि हरेक कुरा चाहिँ धेरै छ क्या नेपालमा चाहिँ त्यस्तो देश हो नि त नेपाल अनि अब रमाइलो रमाइलो आफआफ्नो धर्म संस्कृति आफआफ्नो चाल चलन बहुत अच्छा लगता है दूसरों का सुनने में मुझे बहुत मजा आता है कसो से कि क्या है क्या बिकॉज आई डू नॉट हैव तमंग फ्रेंड्स तो मुझे सिर्फ ठकुरीज का ही ज्यादा पता है तो ओके लेकिन फिर मुझे बहुत एक्सप्लोर करने में अच्छा लगता है दूसरे की बात मुझे पता थी मुझे आयुष ने बताया था कि हाँ इस तरीके से होता है सो आई हैड एन आइडिया आपसे जान के मुझे और वो हुआ कि वो अच्छा इस तरीके से होता है मेरे को भी खासै ठाकुरी में ठाकुरीको बारे में चाहिँ मैले नि खासै थाहा भएन अब आफ्नो आफ्नो अरूको भन्दा नि आफ्नो थाहा हुनु एकदम जरुरी हो अरूको थाहा भएको पनि राम्रो हो कि होइन सबको नलेज त हुन चाहिए तर नेपाल देश सानो भए पनि एकदम रमाइलो एकदम राम्रो छ म त नेपालको अब जम्मै जस्तो गएको छ मनाङ मुस्ताङदेखि जम्मै सबै जस्तो घुमिसक्यो नेपालको त कुनै कुनै ठाउँमा जानु बाँकी छ अब म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा घुम्ने मात्र होइन त्यो ठाउँमा के चिज पाउँछ कस्तो चिज पाउँछ कस्तो हुन्छ त्यो ठाउँको जनसङ्ख्याले चाहिँ अब हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ के गरेर जनजीवन उनीहरूको जनजीवनको बारेमा बुझ्ने उनीहरूले कस्तो गर्छ कस्तो लाउँछ त्यो चिजहरू बुझ्छु कि म चाहिँ मलाई त्यस्तोहरू नै अब त्यो नै गए अब प्लानिङ गरेर मैं तो गई हूँ अब मनांग में गया हो आप कहाँ कहाँ मनांग
वो किधर है? मनंग बहुत अच्छा विलेज है, बहुत ही अच्छा। ओ अभी मनंग हम वो देख रहे मनंग थे, का क्या गांव नाम, एकदम लंबा से। हाँ चौक करके उसका नाम है, पता नहीं चौक क्या नाम था उसका, हम अभी थोड़ी देर पहले उससे ही देख रहे थे, कुछ चौक करके नाम है उसका, कालीन कालीन चौक। चौक, ओके। कालीन चौक तो हमारा घर से ज्यादा टाइम नहीं लगता इधर से, हाँ यहाँ इधर से से तो दूर 5 पड़ता है। घंटे है। आप कालीन चौक जा रहे हो क्या? नहीं सोच रहे हैं क्योंकि वो मिनी स्विट्जरलैंड की तरह है ना। अभी अभी मत जाओ, अब आप कालीन चौक में आप जाने चाहते हाँ हो जो तो एक लोकल महीना लोग होते बाद हैं ना वो जाओ, बताते उधर हैं कब बहुत जाना कब भीड़ होता आना है ना, चाहिए। ये यूं आता है और बहुत टूरिस्ट लोग जाता है ना उधर, स्नोफॉल, बहुत वो अच्छे। स्नोफॉल स्नोफॉल हो रहा है, यस यस, अब एक महीना देखेंगे बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ना मैं जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर मिलते हैं, मुझे भी ठीक है? बहुत हमें भी अच्छा बहुत अच्छा लगा लगा, ये बहुत बहुत कन्वर्सेशन धन्यवाद। सच में, जल्दी शादी थैंक कर लेना यू आप लोग, हम कितना यार देखता है आप लोगों को वीडियो। ओके थैंक यू सो मच। मैं भी वेट करूंगी आपकी शादी की वीडियोस का। डन ओके डन, बाय बाय, टेक बाय केयर, बाय। बाय बाय। यार बड़ा मजा आया किसी और के कल्चर के बारे में जान के, सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए वो बहुत डिफरेंट है, मेरे लिए नेपाल का कल्चर ही बहुत डिफरेंट है। ठीक है नेपाल का छोड़ो, जैसे साउथ इंडियन हो गया, महाराष्ट्रियन हो गया, ईस्ट इंडिया का हो गया, अपर में पहाड़ों का हो गया, मतलब मेरे मेरे कल्चर को छोड़ के हर एक कल्चर जिसमें आप होते हो वो छोड़ के हर एक कल्चर आपको बड़ा डिफरेंट लगता है कि अच्छा ऐसे होता है, अच्छा ऐसे होता है। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है वो सुन के, जान के मेरे को बड़ा मजा आया आज ये पूरा सुन के, ऐसे दिल खुश हो गया यार कि ओके ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, मजा आ गया सच में। और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, इफ यू डू देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।